जहाँ इंग्लैंड को हमने हराया पहली बार, तो वो जीता था। तो टोटल 8 मेडल हमारे हिंदुस्तान भारत के पास में रहे हैं, जो कि अभी तक का दुनिया का एक रिकॉर्ड है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक चंद जी की बहुत ही पॉपुलर खेल था। अगर आप 70 साल पहले 60 साल पहले की बात करेंगे तो इस पूरे झांसी के अंदर हर कोने पे हॉकी ही होती थी। नंगे पैर हो, टूटी हॉकी हो, लेकिन खेलना है। कहाँ हॉकी कहाँ पिछड़ गया कि दुनिया कितनी क्रियाशील है, कितने हमारे समाज के क्षेत्र बदलते हैं, हमारे परिवार पहले जो संस्कृति और हमारे घर का माहौल था वो कहाँ आज पहुँच गया। वो उस मैदान को आपने बिल्कुल से काट के अलग कर दिया और एक नए ग्राउंड पर आपने हॉकी पैदा करी, वो है एसोटर। तो 76 के बाद वो फिर एकदम से जो 7th पोजीशन आनी शुरू हुई तो वो हॉकी कट के अलग हो गई, इसके रूल्स रेगुलेशंस अलग हो गए। हॉकी स्टिक जो लकड़ी की बनती थी वो सिंथेटिक हॉकी बननी शुरू हो गई। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, अर्जुन अवार्डी हॉकी, हमारे भारतीय हॉकी के पूर्व खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक चंद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुंदेलखंड चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कामना करता हूँ बुंदेलखंड चैनल जो है ये पूरे हमारे भारत के अंदर सारी चीज़ों को समावेश करे और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर तो आज आप इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं, कैसे आप देखते हैं कि बुंदेलखंड जो अपना पूरा क्षेत्र है वो अभी वर्तमान में आप उसको किस स्थिति में देखते हैं सर? मैंने तो इसको, मैं कहूँ कि 5 साल की उम्र से इसको देखना शुरू किया और आज 75 तो 70 साल इस धरा पर मेरी मौजूदगी रही है, और एक ऐसी धरती जहाँ से मेरा उदय हुआ है, मेरे पिता मेजर ध्यानचंद जी का उदय हुआ, मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह, मेरी भांजी नेहा सिंह, जिन्होंने देश के लिए खेल क्षेत्र में वो मेडल हासिल किए जो हमारे देश के मस्तक पर शुभायमान होते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं कि देश ने खेलों में क्या किया। तो मेडल्स के रूप में हमारे मेजर ध्यानचंद साहब, कैप्टन रूप सिंह, अशोक, मैं खुद, मेरे छोटे भाई, तो एक ऐसी हवा थी खेल की, वो ऐसा एक झांसी का हीरोज़ ग्राउंड या झांसी के दूसरे मैदान ऐसे रहे जहाँ से उन्होंने अनगिनत खिलाड़ी दिए। हॉकी बहुत ही पॉपुलर खेल था। अगर आप 70 साल पहले 60 साल पहले की बात करेंगे तो इस पूरे झांसी के अंदर हर कोने पे हॉकी ही होती थी। क्रिकेट संडे के संडे चलती थी, लेकिन हॉकी, क्योंकि उसके पहले हमारा देश 3 गोल्ड मेडल जीत चुका था, 48 का हमारा आज़ादी के बाद का सबसे पहला जो मेडल ओलंपिक का, जहाँ इंग्लैंड को हमने हराया पहली बार, तो वो जीता था। तो टोटल 8 मेडल हमारे हिंदुस्तान भारत के पास में रहे हैं, जो कि अभी तक का दुनिया का एक रिकॉर्ड है। तो क्यों ना हो कि ऐसी चीज़ें हमारे सराउंडिंग माहौल, जो कहते हैं ना कि बचपन जहाँ से गुजरा हो, अगर वहाँ हॉकी देखने को मिले और हॉकी ही देख खेलने को मिले तो हमारा रुझान भी वैसे ही बना। अगर और कोई चीज़ होती, फुटबॉल होती तो हम फुटबॉल खेलते, क्रिकेट होती तो हम क्रिकेट खेलते, बच्चे के आसपास का माहौल, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर सुटेबल हो तो बच्चा अपने आप उस चीज़ को पकड़ता है और आगे बढ़ता है। वो ही मेरे अंदर हुआ कि यहाँ की हॉकी देखकर आगे बढ़े, और नंगे पैर हों, टूटी हॉकी हो, लेकिन खेलना है। सर तो अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कहाँ हॉकी कहाँ पिछड़ गया, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि आपने शुरुआत से ही देखा, और उस वक्त ऐसा दौर था कि लोग गली गली में हॉकी खेल रहे थे, क्रिकेट संडे संडे खेला जाता था, लेकिन हॉकी कब इतना पीछे छूट गया कि आज शायद उस स्तर पे हॉकी की पहचान भी नहीं है, ना ही खिलाड़ियों की है, ना ही उस खेल की है, कहाँ आप कमी देखें? कहीं अब इस चीज़ को तो आप दूसरे तरीके से अगर विचार करेंगे और सोचेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा कि दुनिया कितनी क्रियाशील है, कितने हमारे समाज के क्षेत्र बदलते हैं, हमारे परिवार पहले जो संस्कृति और हमारे घर का माहौल था वो कहाँ आज पहुँच गया है, या हमारे आस पड़ोस का माहौल कहाँ पहुँच गया है, या हमारे शहर का माहौल कहाँ पहुँच गया है, क्या वो संस्कृति बच रही है, क्योंकि हर चीज़ संस्कृति से जुड़ी होती है। और जो कल्चर, जिसको हम कहते हैं कल्चर, और कल्चर की बात आज 50 60 साल 70 साल पहले करेंगे या 100 साल पहले करेंगे तो
देश के अंदर कितने शहर ऐसे हैं जहाँ के कल्चर के नाम से जाने जाते रहे हैं, चाहे वो हैदराबादी हो, चाहे पटियाला हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो लखनऊ हो, तो ये चीज़ें, तो अब आप सोचिए कि वो कल्चर, ये कल्चर जनरेशन के बाद बदलता ही बदलता है और बदलता रहा है। हॉकी की बात आपने करी है, तो हॉकी एक ऐसा जिस्मानी खेल ज़्यादा रहा जिसके अंदर खिलाड़ी को हर तरह का रिस्क लेकर खेलना होता था, इक्विपमेंट थे नहीं, चोटें लगती थी, तो माँ बाप अपने बच्चों को, जिनके पहले तो पाँच पाँच छः छः बच्चे, चार चार बच्चे ऐसे होते थे, तो खेलते रहो पता भी नहीं लगता था, आज दो बच्चे या एक बच्चा है, तो हर कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए आतुर और होता है, ये तो वो चीज़ फिर कम होती चली गई। फिर एक बात जो मैंने इस खेल में, जैसा आपने कहा कि आज वो हॉकी नहीं, और ये मैं 100% चाहे कहूँ कि वो हॉकी जो हमारे बाप दादाओं ने खेली या हमने खेली, जो ग्राउंड्स पर, असली ग्राउंड पर होती थी, मैदान पे होती थी, वो उस मैदान को आपने बिल्कुल से काट के अलग कर दिया और एक नए ग्राउंड पर आपने हॉकी पैदा करी, वो है एस्ट्रो टर्फ। क्योंकि ये लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा कि 76 के बाद 1976 में जब हम एस्ट्रो टर्फ पर पहली बार खेले, हमारी टीम 7th पोजिशन पर आ गई एकदम से, तो कहाँ हम फर्स्ट सेकेंड पर आने वाले या थर्ड पर आने वाले, हम एकदम से 7th पे आते हैं। क्यों? हमारे देश में ग्राउंड ही नहीं है, एस्ट्रो टर्फ नहीं है, या हमारी उस वक्त की राजनीतिक, क्योंकि बिना राजनीतिक हेल्प के आप दुनिया में हमारे देश नहीं कुछ कर सकते, आप इतने वो नहीं है कि 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ की ग्राउंड एस्ट्रो टर्फ कोई लगवा दे, वो सरकार के सहयोग से होती है। तो 76 के बाद वो फिर एकदम से जो 7th पोजिशन आनी शुरू हुई, तो वो हॉकी कट के अलग हो गई, इसके रूल्स रेगुलेशंस अलग हो गए, हॉकी स्टिक जो लकड़ी की बनती थी वो सिंथेटिक हॉकी बननी शुरू हो गई, कार्बन, और उसकी बॉल जो लेदर बॉल होती थी वो टफ बॉल के नाम से नई आ गई, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए। तो एक वो जो चीज़ क्रिकेट ने हासिल करी थी आप अगर पाएंगे, तो ये बदलाव आया, और मैं भी इस बात को बिल्कुल 100% कहता हूं कि अगर वो 83 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं आता, हाँ, तो क्रिकेट भी पिछड़ जाता, तो क्रिकेट पिछड़ता, फिर वो पिछड़ता एकदम से उनको, क्योंकि क्रिकेट थोड़ा ऊपरी तबके के लोगों का खेल रहा है, रिच लोगों का, अमीर लोगों का, और हॉकी फुटबॉल ये निचले दर्जे के खेल रहे हैं, गरीबों के खेल रहे हैं, और अच्छे खेलते हैं, लेकिन मैं खेल इनको ही मानता हूँ, जहाँ 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट में, 11 और 2 खेलते हैं, 13 खेलते हैं, तो इसमें हम 22 खेलते हैं, उसमें 13 खेलते हैं, एक खिलाड़ी किसी टीम को जिता सकता है क्रिकेट के अंदर, एक खिलाड़ी हरा सकता है, हरा भी सकता है, जिता, एक खिलाड़ी, हॉकी फुटबॉल में ऐसा नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं, इसमें 11 तो उसको हम, इसको अलग करके देखें क्रिकेट को। और ये ज़रूर है कि जब से टेलीविज़न आया, टेलीविज़न में 5 डेज क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा खास लोगों का अट्रैक्शन नहीं था, खाली मैच देखते थे, फिर उसके बाद उसको छोटा करके T20 50 ओवरों का रखा गया, 50 ओवरों में वो जो पॉज बीच में मिलता है टीवी के अंदर, जब बॉल फेंकने जाते हैं आप या बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो 2-5 सेकंड का आपको पॉज मिला, उसके अंदर आपने विज्ञापन देना शुरू किया, और विज्ञापन आज दुनिया विज्ञापनों पे चल रही है, पब्लिसिटी भी चलती है, तो वो सब हम जानते हैं, और डेफिनेटली उसके जो ऑर्गेनाइज़र थे क्रिकेट को संभालने वाले, उन्होंने उसको उसी नज़र से देखा, उसको बढ़ा के रखा, अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को उन्होंने तमाम सुख सुविधाएं दी, उनको पेंशन देना शुरू किया। अगर आप रणजी, एक छोटा सा नेशनल टूर्नामेंट होता है, रणजी टूर्नामेंट खेलते हैं, ट्रॉफी खेलते हैं, तो आपको पेंशन के हकदार हो जाते हैं। हमारी हॉकी के अंदर हम लोगों ने मेडल्स जीते, चोटें खाई, सब कुछ करा, लेकिन पेंशन के नाम पर हॉकी ने, जब नहीं देंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ में तो गिरावट तो आनी है, क्योंकि हर कोई आज के ज़माने में सिक्योरिटी देखता है। मैं आज से वही कहूँ कि पुराने ज़माने की बात नहीं, जहाँ मेरा ये जुनून था, मेरे पास खाने को नहीं हो तब भी मुझे हॉकी खेलनी, मेरे पास पैसे में कपड़े ना हो तब भी मैं हॉकी, और खेली है हम लोगों ने, तो वो चीज़ें फ़र्क तो डालती हैं। और आज तो ज़माना ही दूसरा है, आज आप देखें तो घर के बाहर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अभी आप, मतलब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आप कैसे सरकार के सामने ये बात, मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसको कमतर बना दिया गया और सरकारों ने उस
मतलब जो भी अथॉरिटी रही, जो भी जिम्मेदार रहे, उन्होंने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान। जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरे, जैसे कि अब तो महिला आईपीएल भी चल रहा है, महिलाओं को लेके भी आईपीएल गेम चल रहे हैं, खेलो इंडिया और दूसरे तरीके के गेम्स चल रहे हैं जिसमें अन्य गेमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा खेल जिसमें हमारा एक रिच, हाँ हमारा एक रिच इतिहास रहा, उसके बावजूद हम उसको जो है पीछे छूट गया वो कहीं ना कहीं। तो इसमें आप क्या, एक जो मुख्य आपकी आपकी तरफ से जो एक मैं मलाल कहूँ या डिमांड कहूँ, ऐसा क्या जो आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए हॉकी को लेकर? अब कहीं वो मैंने कहा ना, आज की हॉकी वो नहीं हॉकी है जो हमारी थी, उसको आप अलग कर दीजिए, बस बिल्कुल सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो 80 में हमने जीता था टर्फ के ऊपर, उसको हम रख सकते हैं, बाकी वो 7 मेडल्स हमारी दूसरी हॉकी की है, ये एक मेडल हमारी टर्फ की हॉकी का है, बाकी ब्रॉन्ज मेडल या हमने हासिल किए हैं एशियाड में हम खेले हैं। सरकार से ये है कि स्पोर्ट्स माइंडेड सरकार तो है, और इसमें खेलो इंडिया और कई रास्ते इन्होंने आज खिलाड़ियों के लिए खोले। मैं परसों ही टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर मौजूद था, जहाँ योगी जी ने खिलाड़ियों को आकर जितने भी आज के वर्तमान जीते हुए मेडल्स एशियाड के अंदर और दूसरे चैम्पियनशिप में उनको आके उत्साहित किया। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, तो ये उत्साहवर्धन करना और प्लस पैसे के साथ करना, रकम के साथ करना, तो ये आज बहुत एक अच्छी चीज़ आ गई है। और खिलाड़ियों को भी नेशनल लेवल तक आगे बढ़ने के कई तरह के रास्ते खोल दिए गए हैं। पहले एक सिर्फ नेशनल चैम्पियनशिप होती थी जिसको खेलकर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाता था, सेलेक्ट होता था। आज उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक नेशनल चैम्पियनशिप खाली खेले, उसके 50 रास्ते आ गए हैं। खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, नेशनल चैम्पियनशिप्स है, डिपार्टमेंटल चैम्पियनशिप्स है, उसके उनके बलबूते पर खिलाड़ियों का चयन हो जाता है। और डेफिनेटली उसके लिए ट्रेनिंग आज हम देखें तो 7-8 रुपए पर डे के हिसाब से तो उनको खाना पीना बच्चों का है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे टाइम में तो 5-7 रुपए जो 1975 वर्ल्ड कप जो हम जीत कर आए हैं उसमें हमें पटियाला NIS पटियाला पहले 30 रुपए डीए के ऊपर की डीए नहीं खाने के ऊपर रखना था, तो ज्ञानी जैल सिंह CM थे उस ज़माने में, उनको पता लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये 30 रुपये खाना नहीं, आप पंजाब में आ जाओ कैंप वहाँ लगा देंगे हम, 50 रुपये का खाना मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें हम लोग के साथ हुई हैं कि था कुछ नहीं हमारे पास में, लेकिन जुनून था कि हमें मेडल जीतना है। अब आज सब कुछ है, लेकिन उस जुनून को भी कायम रखना है, जो आपको इस चकाचौंध पैसे की ज़िंदगी या आराम की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी खेलने के बाद आप जी सकते हैं, लेकिन आराम की ज़िंदगी के लिए खिलाड़ी के लिए तो उसको इतनी तपस्या होनी चाहिए कि हाँ मिल रहा है बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा उनको मिलता है, लेकिन मेडल जीतने के लिए तो एक पागलपन, एक जुनून और एक वो तो उनको खुद करना है, साबित करना है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वो साबित करने के लिए कई चीज़ें शामिल होती हैं, अनुशासन भी है, डेडिकेशन भी है, कमिटमेंट है कि मैं जीत के आऊँगा, एक एक्स्ट्रा पावर अपने अंदर से निकालनी होती खिलाड़ी को, नॉर्मल ताकत नहीं, एक अलग से अंदरूनी ताकत को भी निकालना होता है जीतने के लिए, और जब निकलती है तो उसको कोई हराने वाला दूसरा नहीं होता है। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।